हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे मार्केटिंग एनवायरमेंट के बारे में तो मार्केटिंग एनवायरमेंट मतलब कि ऐसा फैक्टर के जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटर्जीज़ वग़ैरह है मार्केटिंग के लिए जो आप अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये फैक्टर्स जो है वो आपको वाइडली अफेक्ट करते हैं जैसे कि कुछ फैक्टर एक्सटर्नल होते हैं जबकि कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं तो ये सभी फैक्टर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज के वीडियो लेक्चर के अंदर कि जो टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरमेंट तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर के अंदर एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मर ऑक्स थैंक यू फॉर बी इन वन लैक फैमिली ऑफ फार्मर ऑक्स अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो डाउनलोड कर सकते हैं फार्मारोक्स का मोबाइल एप्लीकेशन की जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर एज वेल एज एप्पल आई फोन ऐप ऑन एप, एप, एप स्टोर तो लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी तो हम सीख रहे हैं मार्केटिंग के बारे में तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या है तो व्हाट इज मार्केटिंग तो मार्केटिंग मतलब कि आपकी जो भी कोई प्रोडक्ट है आप जो भी कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसका मार्केटिंग मतलब कि प्रमोशन करना तो आपकी जो भी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह होती है उसको आप प्रमोट करते हैं फॉर द बाइंग और सेलिंग क्या आप समझो कि कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट का आप मार्केटिंग करवाते हैं जिससे किसी भी कस्टमर उसको परचेस कर सकते मतलब कि उसको खरीद सके और आपके जो रिटेलर्स होते हैं आपके जो होलसेलर्स होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट या फिर आपके सर्विसेज को जो लोग खरीदते हैं या फिर बेचते हैं उसको हम कहते हैं एक टाइप से मार्केटिंग। तो फार्मा मार्केटिंग मतलब कि मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स मेडिकल डिवाइज बाय प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस टू डॉक्टर्स क्लिनिशियंस एंड कंज्यूमर्स फार्मर मार्केटिंग को कई बार हम मेडिको मार्केटिंग भी कहते हैं कि जो मेनली इन्वॉल्व होता है मेडिसिन के मार्केटिंग के अंदर और इसका मेन पर्पस एक ही होता है कि आपके जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रोथ हो एंड साथ में प्रॉफिट हो आपके बिजनेस का तो अब जो आपको समझना है वह है मार्केटिंग एनवायरमेंट तो सबसे पहले ये लाइन देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है कि मार्केटिंग एनवायरमेंट इज कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस एंड एक्सप्लोजर्स द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट माइट अफेक्ट ए बिजनेस इन इट्स कैपेसिटी टू ऑपरेट मतलब कि मार्केटिंग एनवायरमेंट मतलब कि ऐसा एनवायरमेंट कि, कि जिसके अंदर आपको ऐसे अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि जिससे कारण आपकी जो कैपेसिटी है आपके बिजनेस को ऑपरेट करने की आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर आपका कोई मार्केटिंग यूनिट है तो उसको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं किस तरह से ऑपरेट करते हैं उसके ऊपर ये फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं दिस कैन बी एनी थिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल फोर्सेज टू इन्फ्लुंस सच एज सप्लायर्स कस्टमर एंड द कॉम्पिटिटर्स तो आप समझिए कि मार्केटिंग एनवायरमेंट मतलब कि जब आप कोई भी बिजनेस आपका सेटअप करते हैं तो उसके अंदर ये मेन ये मेन थ्री फैक्टर जो है वो आपको अफेक्ट करते हैं सबसे पहला जो फैक्टर है वो है सप्लायर्स मतलब कि आप जो यहाँ पे जो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप हो रही है अब ये प्रोडक्ट को पहुंचाना है आपको सेलर तक तो ये है आपका सेलर और ये है आपका मेन यूनिट कि जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको आपके प्रोडक्ट जो है वो पहुँचानी है उसके अंदर जो कोई हेल्प करेगा तो वो है सप्लायर तो यहाँ पे जो सेंटर के अंदर जो सप्लायर्स है कि जो सप्लायर्स आपका प्रोडक्ट अच्छे से सप्लाई करेंगे सेलर तक तो सेलर से फिर वो आगे कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट जो है वो पहुँचेगी तो सबसे पहले जो कोई फैक्टर अफेक्ट करता है मार्केटिंग के अंदर तो वो है सप्लायर्स उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है वो है कस्टमर्स कि कस्टमर्स को जो भी आप ये प्रोडक्ट आप बेचते कि चलो आपकी प्रोडक्ट सप्लायर के थ्रू सेलर तक पहुंच गई और सेलर से आपके कस्टमर तक भी ये प्रोडक्ट जो है वो पहुंच गई है तो अब जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो खास ज़रूरी है तो अगर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या फिर आपकी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उससे समझो कि सेटिसफाई है तो वो कस्टमर फिर से आपकी ये प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो मार्केटिंग एनवायरमेंट मतलब कि ऐसा वातावरण कि आप ऐसा वातावरण या फिर ऐसा एनवायरमेंट आपके बिजनेस का सेटअप करते हैं मार्केट के अंदर कि जिससे आपका सप्लायर भी आपको अच्छे से सपोर्ट करता है कस्टमर भी आपके ऐसे लॉयल बन चुके हैं कि जिससे आपके प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई होके आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेस कर रहे हैं और तीसरा जो फैक्टर आपको अफेक्ट करेगा वो है आपके कॉम्पिटिटर्स कि जो भी कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर होती है तो उसके सिमिलर आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाती है अलग अलग प्राइस रेंजेस के अंदर तो एक ही प्रोडक्ट आपको अलग अलग प्राइस रेंज के अंदर मिलती है बिकॉज़ एक ही प्रोडक्ट को डेवलप करने वाले अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और सभी की अपनी अलग अलग प्राइजेस होती है कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस वग़ैरह सेम होती है क्वांटिटी भी सेम होती है तो उस वक्त हम जो है वो प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी के बेसिस के ऊपर परचेस करते हैं तो उस वक्त जरूरी है कि कॉम्पिटिशन के अंदर टिके रहने के लिए जो भी मार्केटिंग करने वाली जो कंपनी है जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो भी अपना कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो यहाँ पे आपके ये तीन मेन फैक्टर्स अफेक्ट कर गए कि जो है सप्लायर कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर्स तो मार्केटिंग एनवायरमेंट क्या इंक्लूड करता है तो मार्केटिंग एनवायरमेंट इंक्लूड द इंटरनल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर की जो कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स है दूसरा उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स तो इंटरनल फैक्टर्स में कौन इंक्लूड होगा तो एक है एम्प्लॉयज़ कि कंपनी के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ है वो उसके लिए है इंटरनल फैक्टर्स फिर उसका कस्टमर बेस कि वो कंपनी का जो कोई कस्टमर बेस है वो भी उसके लिए है उसका इंटरनल फैक्टर उसी तरह से जो शेयर होल्डर्स से कि जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो इंडस्ट्री के अंदर वो कंपनी के अंदर तो वो भी उसके लिए इंटरनल फैक्टर ही कहे जाएंगे उसके बाद जो रिटेलर्स है एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स तो ये हो गए इंटरनल फैक्टर्स किसी भी कंपनी के लिए उसके मार्केटिंग एनवायरमेंट के अंदर उसी तरह से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स है लीगल फैक्टर्स होते हैं सोशियल है टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कि जो किसी भी कंपनी के अराउंड रहते हैं और वो अलग अलग उसके मार्केटिंग फंक्शंस के अंदर अफेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये चार्ट आप देखिए कि ये जो है वो कंपनी है तो उसके अंदर आपको जो मेन फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं जैसे कि ये इकोनॉमिक एनवायरमेंट आपको अफेक्ट करता है पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट आपको अफेक्ट करता है यहाँ पे लिखा है सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट भी आपको अफेक्ट करता है उसी तरह से टेक्नोलॉजिकल एन्वायरमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट की जहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर से यहाँ पर टेक्नोलॉजी यहाँ पर सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट आपको अफेक्ट करता है यहाँ पर पॉलिटिकल है एंड यहाँ पर इकोनॉमिकल मतलब कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस किसकी कितनी प्राइस रेंज के अंदर है कस्टमर के लिए वो अफोर्डेबल है या नहीं तो वो सब भी फैक्टर्स आपकी प्रोडक्ट के लिए अफेक्ट करते हैं और वही आगे जाके आपके मार्केटिंग एनवायरमेंट के अंदर एज अ फैक्टर इंक्लूड हो जाता है तो सिंपली समझे तो मार्केटिंग एनवायरमेंट का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट का या फिर जो भी कोई आपकी सर्विस है कि आपकी प्रोडक्ट या फिर आपकी जो सर्विस है उसका जब आप मार्केटिंग करते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स आपको एक्सटर्नली और इंटरनली अफेक्ट करेंगे वो प्रोडक्ट के मार्केटिंग के अंदर और मार्केटिंग के अंदर हमने जो सीखा कि मार्केटिंग मतलब कि ऐसी चीज़ की जिसके अंदर आप आपकी प्रोडक्ट वगैरह को या फिर आपकी सर्विस वगैरह को क्या करते हैं प्रमोट करते हैं और उसका मेन इंटेंशन यही होता है कि जिससे आपकी प्रॉफिट हो आपका इंडस्ट्री का या आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रोथ हो और मार्केट के अंदर आपकी रेप्यूटेशन बनी रहे और आपका एक कस्टमर बेस तैयार हो कि जिससे आपकी जो इंडस्ट्री है आपकी जो कंपनी है उसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको डिटेल में समझते हैं तो यहाँ पे तीन जो मेन फैक्टर है मार्केटिंग एनवायरमेंट के अंदर तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्ट के अकॉर्डिंग टू एक इंटरनल एनवायरमेंट लिखा है फिर माइक्रो एनवायरमेंट लिखा है एंड मैक्रो एनवायरमेंट तो इंटरनल एनवायरमेंट की जो कंपनी का जो इंटरनल फैक्टर से वो अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग के अंदर वो बनाते हैं उसके लिए मार्केटिंग इंटरनल एनवायरमेंट और ये जो माइक्रो और मैक्रो मिलाकर बनाते हैं उसका एक्सटर्नल एनवायरमेंट ये दोनों मिलाकर बनाएंगे एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो ये हो गया आपका इंटरनल एनवायरमेंट और ये हो गया आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो ये दोनों फैक्टर्स मेनली अफेक्ट करेंगे मार्केटिंग एनवायरमेंट के अंदर तो इंटरनल एनवायरमेंट माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट तो सबसे पहले समझिए इंटरनल एनवायरमेंट के बारे में तो इंटरनल एनवायरमेंट के अंदर क्या इंक्लूड होता है तो उसके स्टाफ मेंबर्स वगैरह है फिर उसके कैपिटल एसेट्स वगैरह कंपनी के पॉलिसीज़ वगैरह लॉजिस्टिक्स एंड जो भी इन्वेंटरी है वो सब है उसके लिए इंटरनल एनवायरमेंट की जब आपको कोई प्रोडक्ट या फिर आपको सर्विस वगैरह प्रोवाइड करनी है किसी को तो जरूरी होता है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है आपके एसेट्स वगैरह कितने हैं पॉलिसीज़ वगैरह आप डेवलप करते हैं लॉजिस्टिक्स जो है वो सेटअप करते हैं आप एंड जरूरी रो मटेरियल वगैरह को आप इन्वेंट करते हैं मतलब कि इन्वेंटरी उसके अंदर इंक्लूड होगा और जो रिल्स रेगुलेशंस आप डिज़ाइन करोगे वो हो गई आपकी कंपनी के पॉलिसीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट है उसके स्टाफ मेंबर्स एंड द एम्प्लॉयज़ तो ये सब अफेक्ट करते हैं इंटरनली तो ये सब आपके लिए मेन इंटरनल फैक्टर कि जिसके ऊपर किसी भी कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल होता है ये सब इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर जैसे कि उसके स्टाफ मेंबर्स हैं तो स्टाफ मेंबर्स के ऊपर भी डायरेक्टली वो कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग टू कंट्रोल रहता है एसेट्स तो वो भी उसके ऊपर भी कंपनी का अपना खुद का कंट्रोल रहता है पॉलिसीज़ की वगैरह बात करें लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी उसका प्रॉपर कंट्रोल रहता है एंड ऑल्सो ऑन ए इन्वेंटरी तो ये सब हम कह सकते हैं कि, कि जो इंटरनल फैक्टर्स है कि जो इंटरनल लेवल पे उसको अफेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये पॉइंट समझिए कि यहाँ पे लिखा है कि फैक्टर्स इन द इंटरनल एनवायरमेंट कैन बी कंट्रोल बाय ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ये जो फैक्टर्स ऐसे हैं कि उनको ये मैनेज भी कर सकते हैं एज वेल एज प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज ये उनका खुद का स्टाफ है कि जो स्टाफ है वो कंपनी के लिए अच्छे से काम करेगा उसी तरह से उसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह है फाइनेंशियल हम समझे मैनेजमेंट डिसीजंस तो ये सभी उसके इंटरनल फैक्टर्स है और ये इंटरनल फैक्टर्स को किसी भी कंपनी इजीली जो है वो मैनेज कर सकती है अब बात आती है माइक्रो एनवायरनमेंट की जो एक टाइप का एक्सटर्नल एनवायरमेंट है तो उसके अंदर आपको कौन से अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग के अंदर तो सबसे पहले है कस्टमर्स फिर मार्किटिंग इंटरमीडिएस कंपनी आपके सप्लायर्स वगैरह पब्लिक एंड आपके कॉम्पिटिटर्स तो माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ द डिस्टिंग एनर्जीज इन द रिजेंट एनवायरमेंट दैट इन्वॉल्व इट्स एबिलिटी टू ऑपरेट प्रोडक्टिविटी इन प्रीफर्ड मार्केट मतलब कि आप जो भी एरिया के अंदर जो भी मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विसेस को लॉन्च कर रहे हैं तो माइक्रो एनवायमेंट जो है वो अब आपका मेन चैलेंजिंग फैक्टर बनेगा कि आप किस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी को ऑपरेट करते हैं मार्केट के अंदर कि आप किस तरह से आपकी प्रोडक्ट या फिर सर्विस इससे कस्टमर बेस इंक्रीज करवाते हैं कॉम्पिटिटर्स को भी आप अच्छे से जो है हैंडल करते हैं आपकी प्रोडक्ट जो पब्लिकली जब होती है तो किस तरह से आप उसको मैनेज करवाते हैं फिर आपकी कंपनी वो सब चैलेंजेस को किस तरह से एक्सेप्ट करती है एंड किस तरह से जो नीड है उसको अच्छे से पहुंचाने के लिए आप सप्लायर्स को अच्छे से सेट करते मतलब कि मार्केट की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो जरूरी है कि प्रॉपर सप्लायर्स आप इस तरह से सेटअप करें कि जिस तरह से वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस की नीड है वो प्रॉपर आपके कस्टमर तक पहुँचती रहे तो ये है माइक्रो एनवायरमेंट तो माइक्रो एन्वायरमेंट इंक्लूड द ऑल दो फैक्टर दैट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस एंड इंफ्लुएंस इट्स फंक्शन कि यहाँ पे हम जो माइक्रो एन्वायरमेंट्स देख रहे हैं कि जैसे कि कस्टमर्स है जनरल पब्लिक है गवर्नमेंट है शेयर होल्डर्स की जो इन्वेस्टर्स वगैरह है कॉम्पिटिटर्स है रिटर्न एंड एंड डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर्स एम्प्लॉयज़ तो ये सब हम इंक्लूड कर सकते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर तो माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहले जो कोई एक फैक्टर है तो वो है कस्टमर्स तो एवरी इन्वॉल्व एवरी बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड द फुलफिलिंग द कस्टमर्स नीड एंड वांट्स बिकॉज कस्टमर को हम जो है वो राजा कहते हैं कि किसी भी मार्केट के अंदर कि ये जो मार्केट है तो मार्केट के अंदर की ये समझो कि पूरी मार्केट है तो ये मार्केट के अंदर जो मेन सेंटर में जो कोई है तो वो है आपका कस्टमर और इसलिए कस्टमर को जो है हम राजा कहते हैं किसी भी मार्केट का तो जो भी कोई बिजनेस होते हैं सभी बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड द फुलफिलिंग द कस्टमर्स नीड एंड वांट्स कि ये कस्टमर को क्या चाहिए तो ये कस्टमर की नीड क्या है वो आप फाइंड आउट करते हैं और वो एंड वॉट द कस्टमर वॉन्ट्स कस्टमर को क्या चाहिए और उसकी जरूरिया क्या है उसके अकॉर्डिंग टू जितने भी ये अलग अलग प्रोडक्ट डेवलपर से वो अपना मार्केटिंग स्टेटस जिस जो है वो सेटअप करते हैं कि जितने भी अलग अलग market, uh, कंपनीज वगैरह है जितने भी अलग अलग ब्रांड से वो सभी का मेन एक ही कॉन्सेप्ट रहता है कि किस तरह से वो कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो टारगेट करेगी जिससे वो अपना कस्टमर बेस जो है वो सेटअप कर सके तो सेंटर में जो कस्टमर है वो मेन है उनके लिए और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो माइक्रो एन्वायरमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है कि सबसे पहले जरूरी है कि आपको कस्टमर बेज अच्छे से तैयार करना और उसके लिए जरूरी है कि आप कस्टमर की नीड और उसकी जो वांट्स है कि मतलब कि जो भी कस्टमर को चाहिए वो अच्छे से फुलफिल करवाते हैं ईच मार्केटिंग स्ट्रैटर्जी इज कस्टमर ओरिएंटेड दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द कस्टमर एंड ऑफरिंग द बेस्ट प्रोडक्ट दैट फुलफ़िल देयर नीड तो जब भी कोई प्रोडक्ट्स डेवलप की जाती है किसी भी कंपनी के द्वारा तो वो लोग एक ही चीज़ को खास सेंटर में ध्यान रखने के की कस्टमर की नीड क्या है और उनकी ज़रूरिया क्या है और उसी के अकॉर्डिंग टू वो जो है वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और नए नए जो प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं एज़ पर द नीड एंड दांट्स ऑफ ए कस्टमर दूसरी अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने प्रोडक्ट्स तो चलो डेवलप कर ली है अच्छे से आपने अलग अलग प्रोडक्ट्स आपकी डेवलप भी कर ली और उनको मार्केट के अंदर लॉन्च भी किया है तो जरूरी है अब आपके पास ऐसे अच्छे सप्लायर्स होना कि जो सभी सेलर तक आपकी प्रोडक्ट को पहुँचाने का काम कर दे कि जहाँ से ये प्रोडक्ट को कस्टमर जो है वो परचेस कर सकेंगे तो सप्लायर्स आर द पर्सनस फ्रॉम होम द मटेरियल इज परचेज टू मेक ए फिनिश गुड एनहैन्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन कि यहाँ पर जैसे हम मैंने आगे भी आपको समझाया कि यहाँ पर जो है वो आपका मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप होती है तो यहाँ से आपको मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट को लाने के लिए जरूरी है कि यह है कोई कंपनी के लिए हम सी लिखते हैं और मार्केट के लिए हम एम लिखते हैं तो प्रोडक्ट को कंपनी में से मार्केट के अंदर लाने के लिए जरूरी है प्रॉपर सप्लायर्स कि प्रॉपर सप्लायर्स की चेन आपके पास अवेलेबल होगी तो जल्दी से आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे और प्रॉपर स्टॉक के अंदर कैसा ना हो कि आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो प्रॉपर स्टॉक के अंदर तो आपकी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर रहनी चाहिए तो उसके लिए जरूरी है ये सप्लायर्स तो सप्लायर्स इस तरह से आप सेटअप कर सेट करते हैं कि जिससे आपका जो भी फिनिश गुड प्रोडक्ट है वो अच्छे से मार्केट के अंदर सेटअप हो जाए एंड इट इज ए क्रूसियल टू आइडेंटिफाई द सप्लायर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट एंड चूज द बेस्ट दैट फुलफिल द फॉर्म्स रिक्वायरमेंट कि सप्लायर में भी आप ऐसे बेस्ट सप्लायर्स चूज करें कि जिससे जल्दी से जल्द आपका जो प्रोडक्ट है वो सेलर्स तक और कस्टमर तक पहुंचाने में ये हेल्प करे तो मेन लिंक हम कह सकते हैं कि सप्लायर जो है वो मेन ऐसे लिंक बनते हैं बिटवीन द सेलर एंड द कंपनी कि ये साइड कंपनी है और ये साइड सेलर है कि जो उनकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं मार्केट के अंदर तो उन दोनों को जो लिंक करता है कोई तो वो है सप्लायर कि अगर सप्लायर अच्छे से होगा तो सेलर को भी बेचने के लिए प्रोडक्ट कंपनी से अच्छे से मिल जाएंगी और कंपनी को भी अपना जो भी प्रोडक्ट से वो सेलर तक पहुंचाने में काफ़ी आसानी रहेगी तो ये है एक लिंक बिटवीन द कंपनी एंड सेलर तो ये जो फैक्टर है वो माइक्रो एनवायरमेंट के अंदर है कि जो कंपनी के लिए खास अफेक्ट करता है अपनी मार्केटिंग एनवायरमेंट के अंदर कि उनको ये एक खास रियलाइज़ करना है कि उनका जितना सप्लायर अच्छा होगा उतनी जल्दी से ये प्रोडक्ट उनके सेलर तक पहुंचेगी और सेलर के पास वो अवेलेबल होगी तो आगे जाके वो कस्टमर्स तक आसानी से वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगी तो ये ख़ास अच्छे से ध्यान रखना है फिर हम बात करें एम्प्लॉयज़ की तो एम्प्लॉयिज़ आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ए बिज़नेस हु कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इट्स सक्सेस कि हम देखते हैं कि अलग अलग कंपनीज के अंदर जो उसके एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो अपना हंड्रेड परसेंट देते हैं कि जो जिस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो उसको अच्छी सक्सेस मिले उसके लिए ये एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना प्रॉपर कॉन्ट्रीब्यूशन्स जो है वो देते हैं तो एम्प्लॉयीज़ आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ए बिजनेस हु कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इट्स सक्सेस द क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉयज डिपेंड ऑन द ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन सेशंस गिवन टू देम अगर आप देखिए कि अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट्स वगैरह जब डेवलप करनी है तो अच्छी प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आपके पास ऐसा क्वालिफाइड स्टाफ है और साथ में नॉट ओनली द क्वालिफाइड बट वो साथ में उनकी एक ऐसी क्वालिटी है कि जिससे वो अपना सिग्निफिकेंटली अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं अपना एफर्ट्स देते हैं कि जिससे आपकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसज जो है वो कस्टमर्स को काफ़ी अच्छी लगे तो रेगुलरली जरूरी है कि आपके जो भी स्टाफ वगैरह है आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह है तो उनके अंदर क्वालिटी जो है वो बनी रहे और उनके लिए जरूरी है कि रेगुलरली उनके लिए ट्रेनिंग सेसन्स करवाना मोटिवेशनल सेसन्स करवाना तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो किसी भी कंपनी को ध्यान में रखना होता है वाइल दे सेटअप देयर यूनिट थर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज द क्रूसियल टू इम्पार्ट द मार्केटिंग स्किल इन एन इंडिविजुअल तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल वर्ड है उसके ऊपर इसलिए यहाँ पे फोकस किया हुआ है कि आपको ईच एंड एवरी एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान रखना है कैसे नहीं कि आप कुछ एम्प्लॉयज़ के ऊपर ध्यान रखते हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ के ऊपर ध्यान नहीं रखते तो कंपनी को इस तरह से अपना ट्रेनिंग सेशंस या फिर मोटिवेशनल सेशंस एस्टाब्लिश करने कि जिससे वो सभी इंडिविजुअल्स को कि ईच एंड एवरी पर्सन्स की जो उनके एम्प्लॉइज है सभी के अंदर वो क्वालिटी वो ला सके और प्रॉपर उनसे जो सिग्निफिकेंटली वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन से वो कंपनी को दे सके फॉर द सक्सेस आगे बात आती है जो एक फैक्टर अफेक्ट करता है वो है गवर्नमेंट द डिपार्टमेंट ऑफ तो गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कि जो अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह सेटअप करते हैं, जैसे कि प्राइजिंग पॉलिसी वगैरह है क्रेडिट पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी हाउसिंग पॉलिसी तो ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के तो उनको अच्छे से फॉलो करके ही किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी कंपनी को अपनी मार्केटिंग स्टेटस जो है सेटअप करनी होती है तो ये एक सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि जो अफेक्ट करता है ऑन मार्किटिंग स्ट्रेटर्जीज ऑफ एनी कंपनी कंपनी हैज़ टू कीप द ट्रैक ऑन दिस पॉलिसीज एंड मेक द मार्केटिंग प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू देयर गवर्नमेंट पॉलिसी क्या आप क्योंकि आपको जो है मेनली स्टेट गवर्नमेंट कि सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह क्या है और साथ में आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टू आपको रूल्स है पॉलिसीज़ है वगैरह को फॉलो करके आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ वग़ैरह डेवलप करनी होती है कि जिससे प्रॉपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के उसको आप अच्छे से फॉलो करके आप मार्केटिंग कर सके उसके बाद शेयर होल्डर्स तो शेयर होल्डर्स को तो शेयर होल्डर्स को किसी भी कंपनी का ऑनर कहा जाता है बिकॉज उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इम्पोर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए किसी भी कंपनी के लिए तो शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ़ द कंपनी एंड एवरी फर्म हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैग्जीम इज शेयर होल्डर्स वेल्थ कि जितना प्रॉफिट समझो कि कंपनी का होगा उतना सामने प्रॉफिट उनके शेयर होल्डर्स को मिलेगा कि यहाँ पे आप देखो किस तरह से टाइम वाइज यहाँ पे समझो कि प्रॉफिट वग़ैरह है और ये साइड टाइम है तो टाइम के अकॉर्डिंग टू समझो कि इस तरह से कंपनी का ग्राफ जो है वो डेवलप होता है तो उसका मतलब ये होगा कि उसके जो भी इन्वेस्टर्स से हैं शेयर होल्डर हैं वो सभी को ये ग्रोथ का फायदा होगा कि जिस तरह से हम देखें कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनी के शेयर वगैरह होते हैं वो उनकी प्राइस वगैरह इंक्रीज़ होती है तो किसी भी कंपनी का यही टारगेट रहता है कि उनके जो शेयर वगैरह है वो ऑलवेज डिमांड में रहे और जिसके कारण उनके शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो भी अच्छे से बनी रहे और उनका इन्वेस्टमेंट भी वो कंपनी के अंदर जितना इंक्रीज़ होता जाएगा उतनी कंपनी की जो वैल्यूएशन से मार्केट के अंदर रेपूटेशन से वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो शेयर होल्डर्स के ऊपर खास ध्यान रखना रहता है एंड आप उस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटर्जिस्ट डेवलप करें कि जिससे आपका प्रॉफिट भी हो और साथ जो शेयर होल्डर्स का भी आप ख्याल रख सकें तो मार्केटिंग एक्टिविटीज शुड बी अंडरटेकन कीपिंग इन माइंड द रिटर्न टू शेयर होल्डर के शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्ट करते हैं उनके सामने उनको पॉजिटिव इन्वें रिटर्न जो मिलेगा उससे कंपनी को जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा कि जिससे और ज़्यादा इन्वेस्ट में इन्वेस्टर्स जो है वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है कॉम्पिटिटर्स के फार्मा के अंदर ही हम देखें तो ये जस्ट हम एक स्लाइड के अंदर कुछ वेल नोन कंपनीज के हमने लॉगोज वग़ैरह कलेक्ट किए हैं तो उसके अंदर आप देख सकते कि जो कॉम्पिटिशन्स है तो ये कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर उनके स्ट्रेटर्जीज़ के ऊपर आपको अच्छे से वॉच रखनी होती है कि जिससे आपको अपनी स्ट्रैटर्जीज बनाने में प, अच्छे से अच्छे से पता चले कि आप किस तरह से अपनी खुद की स्ट्रैटर्जी बनाएंगे तो जब आपका नज़र कॉम्पिटिटर्स पर भी होगा तो ही आपको पता चलेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं और उसके सामने आप जो क्या कर रहे हैं तो वो जब आप कंपैरिजन देखोगे तो ही आपको पता चलेगा तो जरूरी है कि आप कि क्लोज़ वॉच होनी चाहिए आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर तो कीपिंग ए क्लोज वॉच ऑन कॉम्पिटिटर्स इनेबल्स अ कंपनी टू डिज़ाइन इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटर्जी अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड प्रिवेलिंग इन द मार्केट के मार्केट के अंदर कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग के अंदर है कौन सी चीज़ डिमांड के अंदर है उसके अकॉर्डिंग टू आप आपके कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रख के जब स्टेटर्स डेवलप करते हैं तो उससे आपकी इंडस्ट्री एज वेल एज़ आपकी कंपनी को काफ़ी फायदा होता है तो ये है एक माइक्रो एनवायरमेंट की जो ध्यान में रखना है किसी भी कंपनी को अब आ जाती है मैक्रो एन्वायरमेंट्स की और उसके अंदर जो मेन फैक्टर्स है वो है पॉलिटिकल एक है लीगल फैक्टर है सोशल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल तो मैक्रो एनवायरमेंट्स के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले कि ये जो एनवायरमेंट है वो वाइडर सोसाइटी मतलब कि काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें कि फोर्सेस इन ए मैक्रो एनवायरमेंट के ऊपर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसे फैक्टर है कि जो काफ़ी वाइडर सोसाइटी के अंदर अफेक्ट करते हैं जैसे कि क्वालिटिकल फैक्टर है इकोलॉजिकल फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस है सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस है इकोनॉमिक है एंड डर्मोग्राफिक फोर्सेस है तो दिस फैक्टर्स कैन इम्पैक्ट द माइक्रो एनवामेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ अनेबल टू कंट्रोल देम तो कंपनी के ऊपर ये तीसरा जो एक मेन फैक्टर है और उसमें भी बहुत सारे सब फैक्टर्स है कि जो आपके पॉलिसीज वगैरह को ऊपर अफेक्ट करते हैं और इसके ऊपर आपका कंट्रोल जो है वो नहीं हो सकता तो बिजनेस मस्ट बी चूज द एरियाज़ टू फोकस ऑन दैट द मोस्ट रिलेवेंट टू देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड द वे ऑपरेट तो यह इसका हम एक सिंपल एग्जाम्पल लें तो आप इस तरह से अपनी एडवरटाइजमेंट बनाते हैं इस तरह से आप अपना मार्केटिंग करते हैं कि जिससे आप ये अलग अलग जो फैक्टर कि जैसे कि आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपकी जो एडवरटाइजमेंट है आपकी जो कोई प्रोडक्ट है तो वो किसी तरह से पॉलिटिकली uh, किसी को हर्ट ना करे, इकोलॉजिकली किसी को हर्ट ना करे सेम लाइक दैट टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस जो आपको अफेक्ट करते हैं वो आप हैंडल कर सके लाइक like कि आप जिस तरह से एडवर्टाइज़मेंट करते हैं मार्केटिंग करते हैं तो वो लोग तभी देखेंगे कि जब उनके एरिया के अंदर टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी कि लाइक like, समझो कि आपने मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आपने चूज किया है तो डिजिटल मार्केटिंग तभी अफेक्टिव रहेगा कि जब वो एडवर्टाइजमेंट को लोग अपने मोबाइल के अंदर देखेंगे इंटरनेट के अंदर देखेंगे टी पर देखेंगे या फिर वो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर इंटरनेट सर्फ करने के दौरान वो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग्स की तो ये तभी पॉसिबल होगा कि वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर उस टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो आप समझे कि ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग करते हैं कि उनको एक्सेस करने के लिए थ्री या फिर फोर इंटरनेट का होना जरूरी है तो उसी एरिया के अंदर ये एडवर्टाइज़मेंट लोग अच्छे से देख पाएंगे कि जहाँ पे उनको अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलता है और वो भी हाई स्पीड इंटरनेट उनको मिलता है कि जिससे वो एडवर्टाइज़मेंट वग़ैरह को देख सके और अगर समझे कि उनके पास 2G नेटवर्क ही है तो उस वक्त आपके लिए ये टेक्नोलॉजी बेरियर बन जाएगा कि जिससे आपका मार्केटिंग जो है उसके ऊपर ये मैक्रो एन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट करेगा और ये आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा बिकॉज कि वो एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट है कि प्रॉपर समझो कि वो एरिया ही अच्छे से डेवलप नहीं होगा कि वहाँ पे ना प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन है ना किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप है तो मार्केटिंग के लिए वो आपके लिए एक बैरियर बन जाएगा टेक्नोलॉजी उसी तरह से आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं कि किसी भी सोशल ग्रुप को या फिर किसी कल्चर को जो है वो अफेक्ट हो रही है कि समझे कि आपने ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाई है ऐसी प्रोडक्ट बनाई है या फिर इस तरह से आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर कोई ग्रुप को वो जो है वो हार्म कर रही है उनकी जो भावनाओं को भावनाओं को उनको खलल पहुंचा रहे हैं तो वो ध्यान में रखना होता है उसी तरह से इकोनॉमिकल फोर्सेस अफेक्ट करता है कि आपकी प्रोडक्ट अफोर्डेबल है या नहीं इसी तरह से कौन से एरिया के अंदर आप उसको पब्लिस करते हैं या फिर लॉन्च करते हैं इकोलॉजिकल मतलब कि आपके प्रोडक्ट या फिर आपके सर्विसेज के कारण एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ज़्यादा ना होना चाहिए फिर ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं उनको भी आपको अच्छे से हैंडल करना तो ये सब बन जाते हैं मैक्रो एनवायरमेंट तो यहाँ पे देखिए कि सोशल एंड कल्चरल जैसे कि डेमोग्राफिक्स है पॉपुलेशन किस तरह की है वहाँ के ग्रोथ या फिर डिक्लाइन किस तरह से है एज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है एजुकेशन, कल्चरल डिफरेंसेस, लाइफस्टाइल ट्रेंड हेल्थ एंड वेलफेयर करियर एटीट्यूड्स वो सब आपको ध्यान रखने पड़ते हैं इसके अंदर कि लाइक like, आपने ऐसे प्रोडक्ट डेवलप की है कि जो प्रॉपर किसी एज ग्रुप को ही टारगेट करते हैं तो आपको इस तरह से मार्केटिंग करना है कि वो एज ग्रुप तक वो एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पहुँचे फिर ध्यान रखना है कि आपने जो प्रोडक्ट या फिर आप सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं तो वो वो एरिया के सोशल एंड कल्चर के अकॉर्डिंग टू मैच भी होने चाहिए तो भी जो है वो अच्छे से उसका मार्केटिंग जो है वो पॉसिबल होगा जैसे कि आप गुजरात के अंदर कोई मार्केटिंग कर रहे हैं तो गुजरात के जो लोगों के जो सोशल है एंड उनके जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग टू आप जो मार्केटिंग स्ट्रेटर्जिज एस्टैब्लिश करोगे तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा उसी तरह से आप समझो कि महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं तो वहाँ का आप जो लोकल कल्चर किस तरह से है वहाँ का जो सोशल किस तरह से ट्रेंडिंग्स वगैरह है वहाँ के लाइफ क्या है उनके कल्चर के रेगुलेटेड जैस, तो जैसे कि भारत के अंदर सभी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं तो उनके ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग टू आपको मार्केटिंग स्ट्रैटर्जिज़ कई बार बनानी होती है कि गुजरात के अंदर अलग तरह का कल्चर एंड सोशल कल्चर आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र के अंदर अलग है उसी तरह से आप साउथ के अंदर किसी स्टेट uh, के अंदर जाओगे कि के आप केरला के अंदर जाते हैं कर्नाटका के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे uh, अलग सा एक सोशल एंड कल्चरल माहौल है उसी तरह से आप वेस्ट बंगाल की ओर जाते हैं तो ये सभी जो लाइफ है कल्चर एंड सोशल के अकॉर्डिंग टू वो आपको ध्यान में रखनी होती है ड्यूरिंग द मार्केटिंग। फिर बात आती है टेक्नोलॉजी कि अभी जैसे हमने बात की कि मेन तो इंटरनेट की 2G, 3G, 4G तो टेक्नोलॉजी बेरियर ना बने साथों साथ आप जो लोकेशन से उसके प्रॉपर डेटा स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी फिर अवेयरनेस टेक्नोलॉजी वहाँ पे क्या है रिसर्च क्या है इनोवेशनस क्या है फिर इंटरनेट किस तरह से वहाँ पे अवेलेबल है तो ये सभी चीज़ अफेक्ट करती है आपको टेक्नोलॉजिकली फिर है इकोनॉमिक तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन की जो हम यूजुअली बात करते हैं जीडीपी वग़ैरह की फिर टैक्सेस वगैरह की हम बात करते हैं तो किसी भी कंट्री का या फिर किसी भी स्टेट का जो ग्रोथ किस तरह से है इकोनॉमिकली वहाँ पे किस तरह से ग्रोथ है एक्सचेंज रेट वगैरह क्या है कि इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या है तो वो सब अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिकली फिर इथिकल ब्राइवरी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ रेप्यूटेशन बिजनेस इथिक्स मोरल कॉन्फ़िडेंशियलिटी, प्राइवेसी तो आप जो भी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो भी आप कस्टमर का इन्फॉर्मेशंस वगैरह समझे कि आप कलेक्ट कर देंगे लाइक आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है तो उसके थ्रू आप सर्विस प्रोवाइड करें तो ज़रूरी है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ वगैरह का ध्यान रखें प्राइवेसी का ध्यान रखें कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि आपके जो कस्टमर बेस है उनके जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहे तो वो सब बात आती है इथिकली काम करने की तो वो भी एक फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज टैक्सेसंस है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब कि आपके जहाँ पे आपका बिजनेस आपका सेटअप है वहाँ की कि गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है बिज़नेस को अच्छे से सेटअप करवाने के लिए फॉरेन ट्रेड का क्या है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी आपको ध्यान रखने हैं उसके अलावा लीगल हम देखें तो कोर्ट सिस्टम किस तरह से है एम्प्लॉयमेंट लॉ डिस्क्रिमिनेशन लॉ तो जो ये अलग अलग लॉज जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी कॉपीराइट लॉ है जी डी पी आर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एंटी ट्रस्ट लॉ तो ये सभी लॉज को ध्यान में रखना है और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो एन्वायरमेंट के अंदर एक चीज़ वो है एनवायरमेंट कि आप जो भी कोई प्रोडक्ट सर्विस डेवलप कर रहे हैं अपने जिस तरह से आप कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो इस तरह से होना चाहिए कि वो एनवायरमेंटल कोई पॉल्यूशन ना करे वेदर आपके लिए सूटेबल हो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग टू तो आपकी कंपनी अच्छे से अपना काम कर सकें ऐसे कोई हार्मफुल गैसेस या फिर टॉक्सिक एलिमेंट्स का इमीसंस ना हो कि जिससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो तो एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ का आपको ध्यान रखना है फिर प्रेशर्स फ्रॉम द एन कि कई बार आपके कंपनीज के लॉगो के रिलेटेड टैगलाइंस के रिलेटेड एज वेल एज़ आप जो मार्केटिंग करते हैं उसके रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड या फिर आपके यूनिट से कोई पॉल्यूशन हो रहा है कोई इमिशंस हो रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो गवर्नमेंट सेक्टर्स या फिर एन के थ्रू जो प्रेशर आता है तो वो आप किस तरह से हैंडल करें तो वो भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटज के अंदर है अंडर द मैक्रो एनवायरमेंट और लास्ट में नेचुरल डिजास्टर क्या आपका जहाँ पे भी यूनिट है कंपनी का तो वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स के अकॉर्डिंग टू जो भी कोई आपका डैमेज वगैरह होता है तो वो आप किस तरह से हैंडल करते हैं तो ये सब इंक्लूड करते हैं मैक्रो एनवायरमेंट के अंदर तो ये था हमारा डिटेल वीडियो लेक्चर अबाउट द मार्केटिंग एनवायरमेंट तो गेट अवर लेक्चर नोट पीडीएफ एंड पीपी टीज ऑन फार्मारोक्स ऐप की जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन एप फार्मारोक्स तभी डाउनलोड करिए आप रॉक्स और एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर डाउनलोड करिए एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर पर से एपल आइफन एपन ऐप स्टोर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी